हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। SBI PO pre-2019 का जो अपकमिंग एग्जाम है, जिसको आप देने जा रहे हैं, उसमें क्या स्ट्रेटजी रखी जाए क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट की, कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उन 20 मिनट में क्वांट में किए जा सके। मैं स्पेसिफिकली क्वांट के लिए आपको स्ट्रेटजी बताना चाहूंगा, क्योंकि जो सबसे कम टाइम आपके, जो सबसे ज्यादा शॉर्टेज जहां टाइम की होगी वो क्वांट होगी, नेक्स्ट आपकी रीजनिंग, क्योंकि इंग्लिश में आपके पास टाइम सफिशियंट होता है, उसमें आपके पास टाइम की शॉर्टेज नहीं होती है। क्वांट और रीजनिंग में शॉर्टेज होती है, तो स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट होगी। इंग्लिश में आपको कोई स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत नहीं है, बट क्वांट और रीजनिंग में आपको बनानी पड़ेगी कि आप किस तरह से अटेम्प्ट करें, किस किस किन किन क्वेश्चन को टारगेट पहले। चलिए, इससे पहले अपने थोड़ा सा ये देखें कि एक्सपेक्टेशन क्या है पेपर की साइड। तो अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड ट्रैक करें, तो ये मान के चलें कि इसमें जो आपके कम टाइम में क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें कम टाइम और ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, वो पार्ट कौन सा है। तो आपके सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, इसमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पीओ लेवल पे आजकल कम आने लगे, अप्रोक्सीमेशन के देते हैं, प्लस नंबर सीरीज, प्लस क्वाड्रेटिक। इन तीन में से आप उम्मीद करें कि 10 क्वेश्चन आपको मिले। भाई, हो सकता है आपको नंबर सीरीज के साथ है क्वाड्रेटिक मिल जाए, या नंबर सीरीज के पास साथ अप्रोक्स, ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि नंबर सीरीज करीब करीब सभी स्लॉट्स में आती है, किसी में रॉन्ग और किसी में मिसिंग। इसके साथ या तो अप्रोक्सीमेशन आ जाता है या क्वाड्रेटिक, मतलब इन तीनों में से ज्यादातर आप देखोगे कि करीब करीब यही रहता है, 10 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं और ये क्वेश्चन करने लायक। हाँ, नंबर सीरीज में मैं जरूर आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आपको ये नंबर सीरीज का पैटर्न ऐसा लगे कि आपके लिए नया है और आपको ये लगे कि ये मेरे से सोल्व नहीं होगा, या मैं मुझे इसका पैटर्न पकड़ में नहीं आ रहा है, तो तुरंत स्किप करो उसको, उसमें उलझो मत। उलझ गए तो वो बहुत टाइम ले जाएगा। बाकी क्वाड्रेटिक 100% श्योर शॉट है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन भी पिछले साल का, अगर 2018 का आप देखें, तो सभी एग्जाम्स में बहुत सिंपल आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं। ज्यादातर स्क्वायर रूट, अंडर रूट और कोई कोई ट्रिक वाले आए हैं, तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी की भी होती है, लेंथी क्वेश्चन कम है। नंबर सीरीज में भी 90% क्वेश्चंस करने लायक होते हैं, 10% क्वेश्चन वो मुश्किल दे देते हैं, तो वो किसी स्लॉट में एक क्वेश्चन आ गया, किसी में दो आ गया, किसी में सब के सब भी आसानी से होने वाले हो जाते हैं। तो ये आपके फर्स्ट टारगेट पे होने चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता कि आपका, अगर स्पेसिफिकली इनको ढूंढ के, जैसे तीन सेट हो गए, तीन में से दो सेट आपको जैसे मिलेंगे 10 क्वेश्चन, तो बहुत ढूंढने वाले इनको, हो सकता है आपका शुरू में ओपन हो जाए। शुरू में ओपन नहीं है तो थोड़ा सा आप आगे पीछे करेंगे तो ये ओपन हो जाएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक में से जो भी क्वेश्चन मिले उनको पहले करने की आप कोशिश करें। 10 क्वेश्चन ये हुए, देन आप देखेंगे तीन डीआई एक्सपेक्ट करें आप। तीन में से दो डीआई कोई भी, जैसे आपके लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबुलर ग्राफ, कोई भी, ये दो डीआई आपको यहां से मिलेंगी, दो डीआई यहां से मिलेंगी, एक डीआई आपको मिलनी चाहिए कैसलेट, जिसकी उम्मीद है एक कैसलेट दो इनमें से। तो अगर इनमें से कोई सिंगल है, फॉर्चुनेटली अगर कोई सिंगल आपको, हालांकि इसकी संभावना कम है, ज्यादातर आपको लाइन ग्राफ के साथ या तो टेबल मिलेगी, या आपको दो पाई मिल जाएंगे, एक पाई एक टेबल मिल जाएगा, एक बार प्लस एक टेबल मिल जाएगा, डबल की संभावना है। हाँ, टेबलर डीआई सिंगल आपको मिल सकती है, और उसमें अगर आप थोड़ा सा ये जरूर देखें, जब भी टेबलर डीआई को आप अटेम्प्ट करें, तो उसमें थोड़ा सा ये देखें कि उसके जो नंबर्स दिए हुए हैं वो कितने बड़े हैं, 2 डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, या 4 4 डिजिट हैं। अगर 2 डिजिट नंबर्स हैं और आपको ये लग रहा है कि इनको जोड़ना घटाना बड़ा आसान है, तो उसको अटेम्प्ट करें। अदरवाइज आपको अगर ये लगे कि बहुत बड़े बड़े डिजिट्स हैं और 8 10 इंफॉर्मेशन है, उसमें मत उलझे। हाँ, अगर आपका डबल पाई है या एक पाई प्लस
एक ये है आपका टेबल है, और कैलकुलेशन नंबर्स छोटे हैं भाई। जैसे आपको पाई चार्ट दिया, पाई चार्ट में एक तो तीन ही चाहिए, ए बी सी तीन दी, एक ए बी सी डी ई एफ पांच छह दे दिए, तो पांच छह वाला टाइम खाएगा, दो तीन वाला नहीं खाएगा। दूसरा परसेंटेज जो दी, वो परसेंटेज भी आपको राउंड फिगर में है या टिपिकल है या होल 100% की वैल्यू है, वो कैसी है, तो देखते ही आपको अंदाजा लग जाता है कि लंबा है या छोटा है। क्योंकि तीन डीआई में से कम दो डीआई ऐसे होंगे जो ठीक ठाक होंगे, एक डीआई लेंथी होगा, तो लेंथी में नहीं उलझे और इनमें से किसी को सेलेक्ट। देन अगर आपके पास जैसे तीन में से आपको एक डीआई बहुत अच्छा लगा, कोई बात नहीं, आप एक डीआई कर लो। और जब भी आप डीआई करें या दो डीआई भी कर रहे हो, तो आप पांचों के पांचों क्वेश्चन उसमें शॉर्ट नहीं होते, एक आध क्वेश्चन उसका लंबा होता है, उसको छोड़ दो आप। ये नहीं है कि जो डीआई आपने पकड़ लिया पांचों क्वेश्चन करने, नहीं, आपको देखते ही लगेगा कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व है, छोड़ दीजिए आपको, और आप उसमें जो छोटा है वो कर लीजिए। जैसे तीन क्वेश्चन सही पढ़ रहे हैं तो तीन एक के छह कर लीजिए, 10 ऊपर कर लिए, 16 हो गया। अब आप आगे जैसे देखेंगे कैसलेट में, अगर लंबा चौड़ा है पैराग्राफ आपका तो मत उलझिए, अगर छोटी इंफॉर्मेशन है और आपको लग रहा है कि होने वाला है तो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा कैसलेट डीआई तभी कीजिए जब आपके पास सफिशियंट टाइम हो। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, कैसलेट को पढ़ने में भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि कैसलेट डीआई को जो आप किसी भी एक पैटर्न में या फॉर्मेट में टेबल बेस पे लाएंगे या वेन डायग्राम बनाएंगे और उसको सोल्व करेंगे, उसमें 80% टाइम लगेगा, 20% क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगेगा, और उन 80% का रिजल्ट जीरो होता है। हालांकि अगले 20% टाइम में पूरा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 80 में जीरो आएगा। सो कम जब टाइम हो और अगर पैराग्राफ बड़ा हो तो कैसलेट में उलझना ही मत। देन आप देखेंगे कि क्या मिलेगा आगे, क्वांटिटी कंपेरिजन या डाटा सफिशिएंसी। अगर आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ है तो डाटा सफिशियंसी के क्वेश्चन करने लायक, लेकिन पकड़ हो तो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि इसमें आपका पूरा आपको सोल्व नहीं करने की जरूरत है, आपको ये देखना है कि किस किस चीज से ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, कौन कौन से स्टेटमेंट की। अगर स्टेटमेंट दो से ज्यादा है तो मत उलझिए, लेकिन दो स्टेटमेंट है तो ये क्वेश्चन मैं कहूंगा मिसलेनियस से आपका कम टाइम खाएगा। क्वांटिटी कंपैरिजन में अगर एक क्वांटिटी आपको गिवन है, एक निकलवाई है, तो ये क्वेश्चन भी मिसलेनियस से कम टाइम खाएगा, क्योंकि इसका लेवल मिसलेनियस से नीचा, इन जनरल अभी तक मैंने देखा है, नीचा होता है, उतने हाई लेवल का नहीं होता। अगर ऊपर आपको प्रॉपर यहां तक आपका कोटा पूरा हो गया, टाइम खत्म हो गया, वेल एंड गुड नहीं हुआ, तो जो मिसलेनियस में से 5 या 10 जो भी क्वेश्चन डिपेंड करेगा, 5 to 10 क्वेश्चन जो आएंगे वो डिपेंड इस पे करेगा कि अगर कैसलेट डीआई आ गया तो 5 क्वेश्चन आएंगे, नहीं आए तो हो सकता है 10 क्वेश्चन आ जाए। इसमें जो भी क्वेश्चन बड़ा आपको नजर आए, जिसको पढ़ने में ही 15-20 सेकेंड लग जाए, उसको टच मत करना, छोटा होना चाहिए, मतलब थ्योरी थोड़ी सी होनी चाहिए, ताकि उसको पढ़ने में भी करने में भी टाइम आपको कम लगे, साथ ही जिस टॉपिक का आप करने जा रहे हो उस पर आपकी ग्रिप भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना अटेम्प्ट रखें। साथ ही एक चीज जरूर रखें कि जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी टाइप का स्ट्रेस नहीं लें, ड्यूरिंग एग्जाम भी जो भी करें बिल्कुल कूल रह के करें। अगर आपने जल्दबाजी की, सिली मिस्टेक कर देंगे, कूल रह के करें और उसको कंप्लीट करें। मतलब ये नहीं है कि कहीं जल्दबाजी में आप उसको जो फाइनल टच देना होता है वही देना भूल जाए, और पता चला कि क्वेश्चन सोल्व भी कर लिया और फाइनल टच नहीं दे पाए और वो आपके ऐड ही नहीं हुआ, ये जरूर ध्यान रखें और किसी टाइप का स्ट्रेस नहीं लें। नहीं तो ये पहला एग्जाम है, नहीं आखिरी एग्जाम है, साल में 10 to 15 एग्जाम्स इस लेवल की आपकी होती, वो तो भी ऐसे इंपॉर्टेंट होती है हर एग्जाम हर आदमी के लिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन उस दिन होगा जिस दिन आप बिल्कुल कूल रह के अपना 100% देंगे, किसी टाइप का स्ट्रेस नहीं ले, किसी टाइप का टारगेट नहीं रखें। ये नहीं है कि मुझे 25 करने हैं या मुझे 28 करने हैं, नहीं, हो सकता है पेपर का लेवल काफी हाई आया हो और आपके लिए जो आप 17-18 क्वेश्चन करके आए वही सफिशियंट रह जाए आपको सिलेक्शन दिलवा दें, और कई बार 25 क्वेश्चन भी आपके शॉर्ट पड़ सकते हैं अगर उसका लेवल नीचा है, तो टारगेट आप कभी सेट नहीं करके जाए, टारगेट आप सेट कर भी नहीं सकते कि क्या पेपर में आने वाला है। तो इस तरीके से मैं तो यही कहूंगा कि जो ऊपर सिंप्लीफिकेशन अप्रोच नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक में से 10 क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए, इन पे आपका
पहला अटैक होना चाहिए, देन डीआई में जो डीआई आपको दो तीन डीआई दिखेंगे, अगर जो अगर आपको सिंपल दिखे तो उसको अटेम्प्ट करो, देन क्वांटिटी कंपैरिजन और डाटा सफिशियंसी में से एक सेट आपको पांच नंबर का मिलना चाहिए। तो क्वांटिटी कंपैरिजन में अगर एक क्वांटिटी दी हुई है दूसरी निकलवाई है तो ये करने लायक है, अगर दोनों ही निकालनी है तो ये डेफिनेटली थोड़ा फिर लंबा हो जाएगा। डाटा सफिशियंसी अगर दो स्टेटमेंट तक है और आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पकड़ है तो ये आप जल्दी कर लेंगे डेफिनेटली। और मिसलेनियस पे जब आप जाएं तो ये जरूर ध्यान रखें कि वो बड़ी थ्योरी नहीं हो, छोटा सा मसाला हो, उसी में से कोई आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस डे।